गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आज आपको अपने चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ताकि वैसे टॉपिक है जो कि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक यानी ये क्लास का भी नाम हम आज आपको दे दिए हैं, क्या लकी सेवन क्लासेस, यानी सेवन पॉइंट है टोटल सेवन पॉइंट होगा। उसमें से आपको हर एक पॉइंट से तीन क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसमें लकी सेवन क्लासेस यानी ये फॉर ऑल एग्जाम के लिए, यानी ये जो सेवन पॉइंट है ना, ये आपका लकी यानी आपका लक साथ दिया तो एग्जाम में सेवन से लगभग एक से दो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा यही सेवन पॉइंट से, क्योंकि इस बहुत खतरनाक ही है। सेवन पॉइंट आपको निकाल के दे रहे हैं हम और अच्छे तरीके से बता रहे हैं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए आइए हम देखते हैं क्या है। तो जो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक का नाम है, जो यूएनओ था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो सहयोगी संगठन था उसी को और कुछ बाकी है उसको भी हम आपको लिख के आपको बता देंगे अगले क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए आप साथ याद रखिएगा। साथ में से तीन क्वेश्चन यानी एक या तीन, एक पॉइंट पे तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। तो आइए देखते हैं कि वो तीन सा क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर दिया आपको, देख ले आप पढ़ लिए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, पहला क्वेश्चन आपको कर रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्थापना आप इसका फुल फॉर्म शॉर्टकट में क्या लिखता है, इसका ILO। तो इसको आप फुल फॉर्म में भी पूछ लेगा एग्जाम में, बताइए ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेबर मतलब सर्न, सर्न जिसको बोलते हैं काम करने वाले, और संगठन तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे किया तो आप आपको पूछेगा इसके स्थापना और मुख्यालय, तो इसका स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना इसका अंतर्राष्ट्रीय सर्व संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में। कब हुआ था, 1919 में। 1919 जब आधा वर्ष याद आता तो इसका क्वेश्चन एक और बनेगा, क्या कि 13 अप्रैल 1919 को ही भारत में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, याद रखें ये वाला भी पॉइंट। कब हुआ था, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। ये तो एक क्वेश्चन है और ये तो इसका मुख्यालय, इसका स्थापना वर्ष हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है इसका थोड़ा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सर्व संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, कहा जेनेवा, तो जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो जेनेवा जो है ना स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड की एक जो कंट्री है स्विट्जरलैंड में, वहां का एक अच्छा खासा शहर है जेनेवा। तो उसको स्विट्जरलैंड की जब बात आता तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ, ये बात याद रखेगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में, कहा बर्न में, बर्न है। तो और ये कब बना था, तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ना 1848 में बना था, याद रखिएगा। तीन से चार क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और बर्न जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कब बना था, तो 1848 में बना था, याद रखिएगा। तो फिर अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है आगे वाला पॉइंट। एक पॉइंट खत्म हुआ, आप लिखते जाइएगा या तो याद करते जाइएगा, जैसे आपको सुविधा वैसे करते जाइएगा। दूसरा क्या करा कि संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे कि शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, FAO, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं, फूड एंड एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
इसका फुल फॉर्म है FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो इसका मुख्यालय पूछेगा किसका है? अब इनका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। कहाँ? रोम, जो कि इटली की राजधानी रोम को कहते हैं, क्योंकि इटली का राजधानी है रोम, वही क्या है इनका मुख्यालय है। मुख्यालय इनका रोम में पड़ता है, जो कि इटली के। तो ये इटली का बात है, इटली का राजधानी आपको पता चल गया रोम। तो इटली में जो ये क्वेश्चन पूछेगा इसका करेंसी, तो इसका करेंसी, इटली का करेंसी आप याद रखिएगा क्या? यूरो। इटली में कौन सा करेंसी चलता है? यूरो चलता है, याद रखिएगा। सर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इससे मतलब जितना क्वेश्चन पूछने की जो संभावना रहता है, इसका अलग अलग क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तीसरा नंबर क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, क्या है? IMF, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आप इसको लिखेगा IMF का इंटरनेशनल ऐसे वो इंटरनेशनल, उसके बाद हो गया मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना वर्ष आपको पूछेगा IMF का, जिसका स्थापना वर्ष आप याद रखेगा 1945, क्या? 1945। इसका भी स्थापना वर्ष 1945। तो इसका मुख्यालय आपको पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ, थोड़ी ये बता दीजिए। तो इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा क्या? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, Washington DC, याद रखिएगा। हर एक वीडियो में अमेरिका क्या आ जा रहा है, Washington DC, लगभग एक दो वीडियो से, थोड़ा सा इसका याद रखेगा अमेरिका के। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर कितना? 4 पे। फुल फॉर्म याद रखिएगा, सबसे बड़ा महत्व है फुल फॉर्म का और इसका मुख्यालय। ये दो क्वेश्चन आपको एकदम पूरी चांस बनता है पूछने के लिए, क्योंकि ये दो चीजों क्वेश्चन पूछने के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में WHO, जिसका जो कि कोरोना वायरस का जो संरक्षण अभी देखभाल हो रहा पूरे विश्व में, इसी के अंदर हो रहा है। क्योंकि इसका थोड़ा जान लेते हैं WHO का फुल फॉर्म। तो WHO, तो HO का क्या वो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको WHO का फुल फॉर्म। WHO का HO का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना कब होगा? उसका स्थापना याद रखिएगा 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 याद रखिएगा। और आपको यह पूछेगा मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा में। कहाँ? इसका मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, अबर जो कि 1848 में बना था, अभी एक नंबर में बताए हैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आता है पॉइंट नंबर 5, 4 हो चुका है, आप याद रखिएगा कि हम आपको लिखाते जाते हैं, डर बोलते वीडियो लंबा नहीं, छोटा सा वीडियो, टाइम बचाइए ताकि दूसरे भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है, इसको जो कि शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? IAEA। तो इसका फुल फॉर्म या थोड़ा सा देखिए तो क्या कहता है IAEA क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
एटॉमिक हो गया, एटॉमिक इसे हो गया एनर्जी, उसके बाद फिर ऐसे हो गया एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, किसका IAEA का फुल फॉर्म, मतलब याद करते चलना है, कोई इसको छोड़ना नहीं। इसका स्थापना वर्ष कब याद रखेगा, इसका स्थापना वर्ष कब हुआ तो ये आप याद रखेगा, इसका स्थापना वर्ष 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ। तो जब 1957 में हुआ इसका, तो इसका मुख्यालय आपको पूछेगा, तो इसका मुख्यालय वियना, कहाँ वियना याद रखेगा, वियना है। तो वियना क्या है, तो वियना जो है ना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, याद रखिएगा। क्लियर, ऑस्ट्रिया एक देश था, उसका राजधानी वियना है। क्लियर, इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया हम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका स्थापना वर्ष 1957 और इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में, आशा करते हैं कि आपको याद होते हो रहा होगा या तो आप लिख रहे होंगे। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को, क्या है यूनेस्को, तो यूनेस्को का थोड़ा सा इसका हम आप लिखे यूनेस्को, तो यू से क्या हो गया यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद हुआ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, उसके बाद क्या होगा, फिर आ गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड, थोड़ा सा लंबा है, कल्चरल, उसके बाद लास्ट में होगा ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा इसको याद करते हैं। यूनेस्को यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशंस, आई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया साइंटिफिक एंड कल्चर, सी से हो गया कल्चरल, उसके बाद ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, यूनेस्को का फुल फॉर्म यह है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ गया था इसका स्थापना वर्ष पूछेगा, तो इसका स्थापना वर्ष याद रखेगा 1946 का, 1946 इसका स्थापना वर्ष याद रखेगा। इसका जो मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पेरिस में, कहाँ है पेरिस, जो कि फ्रांस का राजधानी, क्या जो कि फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, क्या है मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, जो कि फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है, अब पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, जो कि लकी 7 का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर जो वीडियो अगर जो आपको लंबा हो रहा नहीं, आपको प्रॉब्लम हो रहा देखने के लिए, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आप स्थिर से 2 से 3 मिनट इस पे टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 7 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, क्या उड्डयन संस्थान, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं ICAO, तो ICAO का क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन,
क्या है? ICAO का, आई मतलब इंटरनेशनल, सी से सिविल, ए से एविएशन और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान का। तब आते हैं इसका स्थापना वर्ष, अजय आपको बताते हैं यहीं पे स्थापना वर्ष। तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1944। इसका स्थापना वर्ष 1944 को। पॉइंट नंबर 7 का स्थापना वर्ष 1944 लिखते चलिएगा। इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय आपको बताते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय आपको मंट्री, कहाँ है इसका मुख्यालय? मंट्रियल में। तो मंट्रियल कहाँ पड़ता है? तो मंट्रियल जो है कनाडा का एक बड़ा, कनाडा का एक शहर है, बहुत फेमस नाम का कंट्री जो है मंट्रियल, एक शहर है जो कि कनाडा में पड़ता है। तो कनाडा का आपको राजधानी याद रखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा। किसका? इसका मुख्यालय मंट्रियल में पड़ता है जो कि कनाडा देश में है। और कनाडा की आपको राजधानी याद कर लीजिए क्या? ओटावा। क्लियर? इसमें से जो सारा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको कराए हैं, इसका संगठन का नाम वही है और इसका स्थापना वर्ष यहाँ बताएं आपको, इसका मुख्यालय बताएं और ये लोगों का इसका फुल फॉर्म बताएं, यानी 1, 2, 3, यानी 1 से 3 क्वेश्चन, लगभग 27-21 क्वेश्चन आपको बताया गया इस वीडियो में। और हम आशा करते हैं कि ये 21 क्वेश्चन में से आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, कोई भी एग्जाम में कहीं भी आपको पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना क्या है, या तो सिर्फ ये वाला देखे, या तो सिर्फ ये वाला देगा और पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म बताइए, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखेगा। क्लियर? तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा तो इस वीडियो का लाइक ठोके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए मौका दें, उसके बाद शेयर करें, उसको रिक्वेस्ट करें, या तो उसको अच्छा लगे तो सारे दोस्त आके जुड़ें, यहाँ से सब सब्जेक्ट की तैयारी करें। सो थैंक यू।